लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पोल का पोस्टमार्टम। ये कार्यक्रम आपका है, ये प्लेटफॉर्म आपका है। इसमें हम खबरों से जुड़ा एक सवाल रखते हैं, इस पर आप जवाब देते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं और हम उन प्रतिक्रियाओं को लेकर आपके सामने पेश होते हैं। आज के पोल का पोस्टमार्टम कार्यक्रम का सवाल था, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में घर पर सामूहिक नमाज के बाद FIR, क्या कार्रवाई सही है? इस सवाल के जवाब में 64% लोगों ने कहा हाँ, जबकि 36% लोगों का उत्तर ना में था। जिन लोगों ने इस पर प्रतिक्रियाएं दी उनमें से एक तरुण सैनी ने लिखा है, इस पर निर्भर करता है कि पूरी बात क्या है। सिर्फ नमाज पढ़ने पर कोई कैसे प्रतिबंध लगा सकता है जब तक कोई गलत एक्टिविटी ना हो रही हो, इसलिए पूरी खबर दिखाओ न कि आधी अधूरी। विवेक ने लिखा है, किसी भी घर के अगल बगल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वहां लोगों की भीड़ लगती है। कोई बीमार हो या पढ़ने लिखने वाला बच्चा हो, लोगों की नींद भी खराब होती है, इसलिए इनका स्थान थोड़ा अलग होना चाहिए। कमला कोली ने लिखा, कोई अपने घर पर कोई धार्मिक काम करता है तो FIR करना गलत है। हरीश पंत का मानना है कि घर पर नमाज पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, FIR गलत है। वहीं पीयूष श्रीवास्तव ने लिखा, किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो 2014 में BJP को वोट देना। बेशर्मी की एक हद होती है, BJP वालों ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। आनंद श्रीवास्तव लिखते हैं, हम हिंदू हैं, हमें गर्व है, पर दूसरों के धर्म की भी इज्जत होनी चाहिए। हम भी तो सामूहिक रूप से श्री रामचरितमानस या सुंदर कांड का सामूहिक पाठ करते हैं। अद्भुत हिमाचल नाम के यूजर ने कहा, घर में जो मर्जी करो कोई नहीं रोकता, लेकिन घर पर किए जा रहे काम से किसी दूसरे इंसान के लिए अच्छा नहीं हो रहा है तो रोक सकते हैं। प्रीति पाहुजा लिखती हैं, पहले सड़क पर नमाज से दिक्कत थी, अब घर पर भी दिक्कत है, चाहते क्या हो। राहिल खान ने कहा, भाई वे अपने घर पर कुछ भी करें, आप होते कौन रोकने वाले, FIR करने वाले। हमें इस तरह के सैकड़ों लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं, हज़ारों लोगों ने इस पर जवाब दिया है, वोट दिया है। हम सारी प्रतिक्रियाएं शामिल नहीं कर सकते, हमें इसका अफसोस है, ये हमारी सीमा है, पर हम ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि हर तरह के विचार शामिल कर लिए जाए। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। बात यह है, मामला ये है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में छजलैट थाना के गांव दूल्हेपुर में एक घर में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने वाले 26 लोगों पर मुकदमा दर्ज होने का मामला बड़ा हो गया है। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए PM नरेंद्र मोदी से सवाल किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भीड़ के दबाव में आकर गैर कानूनी FIR दर्ज करना बंद करेगी। उम्मीद है कि लोग अब अपने घरों में बिना किसी परेशानी के नमाज अदा कर पाएंगे। मुरादाबाद के कांट से SDM जगमोहन गुप्ता ने पत्रकारों से कहा, निजी संपत्ति में अकेले नमाज पढ़ना गलत नहीं है, परिवार के साथ भी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरह सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। परिवार से बाहर के लोग और ज्यादा संख्या में लोग घर में नमाज पढ़ने के लिए जुटते हैं तो इसके लिए परमिशन की जरूरत होती है। एक परिवार के लोग घर में नमाज पढ़ सकते हैं, फिर चाहे परिवार में 7-8 लोग ही क्यों न हो। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम पोल का पोस्टमार्टम। ये कार्यक्रम आपका है, ये मंच आपका है, हम आपके प्रतिक्रियाओं को, आपकी बातों को लेकर आपसे रूबरू होते हैं, आपकी असहमतियों, आपकी आलोचनाओं को भी पूरे सम्मान के साथ जगह देते हैं। तो कल एक बार फिर एक नए सवाल के साथ हम आपके सामने पेश होंगे, आप उससे ज़रूर जुड़ें और अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। इंतज़ार रहेगा कल तक का। नमस्कार।